पिकेटी खालिद महमूद साहब यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर हैं बिकेटी साहब आपसे बात नहीं होगी तो ज़्यादी हो जाएगी तो खालिद महमूद साहब हमारे साथ, साथ पॉलिजीज़ हम बहुत सारे इवेंट्स कवर कर रहे हैं सो दर इज़ लॉट हैपनिंग हीर बट खालिद महमूद साहब इतने सारे इवेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं तीस से जायद इवेंट्स कोटा होस्ट कर रहा है सात हज़ार से जायद एथलीट्स यहाँ पर आए हुए हैं आई एम श्योर आप भी फख्र महसूस कर रहे होंगे कि पाकिस्तान में पॉजिटिव एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं हमें थैंक यू जी बिल्कुल हमारे लिए ये बड़ी प्राउड की बात है ये जो 32 इवेंट्स की आपने बात की इसके लिए हमने बड़ी एफर्ट की है हम उन्नीस साल से इस कोशिश में थे कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन यहाँ नेशनल गेम का इनका कर सके क्रैड गोज टू द गवर्नमेंट ऑफ़ बलोचिस्तान द पीपल ऑफ़ कोटा एंड द एसोसिएशन ऑफ़ स्पोर्ट्स इन द बलोचिस्तान कि आज बड़े मुश्किल हालात में ये बहुत ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेगा इवेंट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है और मैं मुबारक देता हूँ आप लोगों को, को आप जिस अच्छे अंदाज़ में इसको कवर कर रहे हैं इसकी जो रौनक है और इसकी जो प्रोजेक्शन है उसमें बहुत अजाफा हुआ और मुझे रिज़ल्ट जो है मेरे दोस्त बताते हैं जी कि ये रिज़ल्ट आ गया अदरवाइज़ ये होता था जी इवेंट मुकम्मल होता और उसके बाद तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी मैं तो बड़ा मुतमन हूँ कभी तक जो इवेंट्स हुए हैं वो बड़े ही अच्छे अंदाज़ में उनका इनका हुआ है और जो उसकी कवरेज है आपके थ्रू और बाकी मीडिया दोस्तों के थ्रू इट्स एक्सीलेंट और जब कवरेज अच्छी हो तो डेफिनेटली जो उसकी माइलेज होती है उस इवेंट की वो बहुत बढ़ जाती है और वो पब्लिक तक जो है ना वो चली जाती है सर हमारे लिए नहीं दुनिया भर के लोगों के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि बीच में कोविड आ गया था एक गैप आ गया था लेकिन उसके बाद ये जो कम आप देख रहे हैं हमारे यूथ का भी कम है सर ये आप लोगों के साथ साथ बिकॉज ऑर्गेनाइजर्स तो मेहनत करते हैं लेकिन यूथ साल साल मेहनत कर रहा था तैयारी कर रहा था इन इवेंट्स के लिए आपको स्टैंडर्ड कैसा नज़र आ रहा है कैन वी एक्सपेक्ट सम मेडल्स इन ओलंपिक्स और एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स बिकॉज़ ज़बरदस्त टैलेंट है इधर देखिए जी इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो नेशनल गेम थी उनका बड़ी मदत से इंतज़ार था और खिलाड़ियों को बड़ा अच्छा मौका मिला और अभी जो एशियन गेम्स हैं ये हो रही हैं हमारी सितंबर के लास्ट वीक में अक्टूबर के फ़र्स्ट वीक में और उसके लिए जितनी सिलेक्शन है वो इस इवेंट की बना पे होगी अब सब लोग इस बात के मंतज़र हैं कि इसमें से जो खिलाड़ी अच्छे होंगे उनके लिए ट्रेनिंग कैंप्स होंगे उनके नाम आगे जाएंगे फार द एशियन गेम्स और मैं तो रखता हूं कि इन गेम्स की बना पे पाकिस्तान की जो मेडल पोजीशन थी पिछली एशियन गेम में उसमें डेफिनेटली इजाफा होगा बहुत शुक्रिया